अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है साहिब खान और आप देख रहे हैं द मैजिकल माइंड्स। दोस्तों, घरों में ब्रॉडबैंड कनेक्शन होना एक आम बात हो गई है, फिर चाहे हमें ऑफिस का काम करना हो या फिर बच्चों को अपने स्कूल का प्रोजेक्ट खत्म करना हो, हमें कोई OTT पे मूवी देखनी हो या फिर हमें कोई वेब सीरीज देखनी हो, हम अपने घर में ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगवाकर वाईफाई के जरिए अपने घरों में कोने कोने तक इंटरनेट को बड़े आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अब हम सबकी इंटरनेट की जरूरत बढ़ चुकी है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि वाईफाई के जरिए जो हम ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेकर इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर जो स्पीड आती है, स्पीड के अंदर सबसे बड़ा अहम रोल कौन प्ले करता है? नहीं पता तो मैं बताता हूँ आपको दोस्तों, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारा राउटर। तो अगर आप अपने लिए कोई नया ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगवाने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो समझ लो बिल्कुल आप ही के लिए है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपका राउटर कौन सा और कैसा होना चाहिए ताकि आपको बहुत अच्छी स्पीड मिले। आप अपना राउटर इस वीडियो को देखने के बाद जरूर चेक कीजिएगा जो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आप नया कनेक्शन लगवाने के बारे में सोच रहे हैं तो थोड़ी देर रुक के मेरी वीडियो पूरी देख लो, तुम्हारे बहुत काम आने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको तफसील समझा दूंगा कि हमारे इंटरनेट का, हमारे वाईफाई का जो राउटर है वो कौन सा और किस तरह का होना चाहिए ताकि हमको स्पीड बहुत अच्छी मिले। तो अब देखो इस वीडियो को एंड तक। दोस्तों, अगर आप 100 Mbps स्पीड का कनेक्शन ले रहे हैं और आपका राउटर अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो आप 100 Mbps की स्पीड का बिल्कुल भी मज़ा नहीं उठा पाएंगे। दोस्तों, राउटर हमेशा डबल बैंड वाला ही लगवाएं, ये 5 GHz बैंड पर चलते हैं। ये 2.5 GHz बैंड के मुकाबले में थोड़े महंगे तो होते हैं, लेकिन दोस्तों ये राउटर इतने बढ़िया होते हैं कि अगर आपने इनको लगाया और उसके बाद आप जिस भी डिवाइस में इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, फ़ोन में कर रहे हैं, कंप्यूटर में कर रहे हैं, लैपटॉप में कर रहे हैं, टीवी में कर रहे हैं, किसी भी चीज़ में कर रहे हैं, अगर उसके बीच में यानी डिवाइस आपके डिवाइस में जिसमें आप इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं और राउटर के बीच में अगर कोई दीवार आती है या फिर कोई दरवाज़ा आता है या फिर कुछ भी ऐसा आता है, उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी स्पीड बहुत अच्छी आती रहेगी। अगर ये वाले राउटर 3rd फ्लोर पे हैं और आप ग्राउंड फ्लोर में इस्तेमाल करेंगे इंटरनेट को तो भी कोई परेशानी नहीं होगी। राउटर ग्राउंड फ्लोर पे और आप 3rd फ्लोर पे इंटरनेट को इस्तेमाल करेंगे तब भी आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली, आपकी स्पीड पर कोई भी खास फर्क नहीं पड़ने वाला, स्पीड आपको बहुत अच्छी मिलने वाली है। तो हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि जो भी राउटर आप लगवाएं वो डबल बैंड का होना चाहिए जो 5 GHz बैंड पर चलता है। अब मसला यह है कि हमें कैसे पता लगे कि हमारे यहाँ जो राउटर लगा हुआ है वो कितने बैंड का है, या जो हमारे अभी राउटर लगेगा या लगने वाला है वो कितने बैंड का है। जाहिर सी बात है दोस्तों, सबसे आसान तरीका इसका यह है कि आप उस राउटर को उठाकर उसके पीछे देखिए, स्पेसिफिकेशन लिखी हुई होती है, आपको बड़े आराम से वहां पर लग जाएगा कि ये कितने बैंड का है। अगर वहां पे किसी वजह से मेंशन नहीं है कि वो कितने बैंड का है, वैसे तो मेंशन होता है, अगर नहीं है तो आप उस कंपनी की वेबसाइट पर उस मॉडल नंबर को डालिए जो आपके राउटर का है और आप बड़े आराम से उसकी स्पेसिफिकेशन निकाल कर पढ़ सकते हैं। स्पेसिफिकेशन में आराम से आपको पता लग जाएगा कि ये कितने ब्रांड और कितने GHz का है। अगर तब भी आपको नहीं पता लगता है तो गूगल जिंदाबाद, आप गूगल पर सिर्फ अपनी कंपनी का नाम, जो आपके राउटर की कंपनी है, और उसका मॉडल नंबर डालकर स्पेसिफिकेशन बड़े आराम से पढ़ सकते हैं, आपको वहां भी पता लग जाएगा कि आपका जो राउटर है वो कितने बैंड का है। राउटर लगवाते वक्त हमेशा वायरलेस कनेक्टिविटी का आप खास ख्याल रखें। आपके लिए फिलहाल सबसे ज्यादा बेस्ट आज के वक्त में ये होगा कि आप 450 Mbps स्पीड वाला राउटर लगवाएं। फिलहाल ये राउटर आज के वक्त में सबसे ज्यादा स्पीड दे रहा है। अगर आप 500 Mbps स्पीड का कनेक्शन ले रहे हैं और आपका राउटर सिर्फ 300 Mbps स्पीड का है तो जाहिर सी बात है आप हाई स्पीड इंटरनेट का मजा ही नहीं ले पाएंगे। लेकिन अगर मेरी मानो तो अगर आप 150 Mbps स्पीड का प्लान ले रहे हैं तो आपका राउटर कम से कम 300 Mbps की स्पीड का होना चाहिए, तभी आपको 150 Mbps का जो मजा है वो फुल मिलेगा 300 Mbps के राउटर से। जी तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी मेरी वीडियो वाईफाई राउटर के बारे में। उम्मीद करता हूं कि अब आपको समझ में आ चुका होगा कि आपके लिए कौन सा राउटर सबसे बेस्ट रहेगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में अभी जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर दबाइएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई सवाल है, आप मुझसे कुछ और भी टेक्निकल चीज पूछना चाहते हो तो मुझे इस वीडियो कमेंट बॉक्स में अभी लिख दो, मैं उसका जवाब आपको इंशाल्लाह जल्दी देने की पूरी कोशिश करूंगा। और आप आगे किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हो वो भी मुझे इस वीडियो कमेंट बॉक्स में अभी फौरन लिख दो, मैं उस पर काम करना इंशाल्लाह शुरू कर दूंगा और आपके लिए फटाफट वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। मिलूंगा फिर किसी और नए वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मेरा नाम है साकिब खान, बहुत शुक्रिया।